योगी ने देर रात उत्तर प्रदेश में कर दिए ये चार बड़े ऐलान। योगी के इन ऐलानों के बाद अब बदल जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा। यूपी की जनता जहां ज्ञानवापी मामले में बीजी है, लेकिन इसी बीच योगी जी ने कल देर रात कई बड़े और कमाल के ऐलान कर डाले हैं, जिसके बाद अब यूपी की काया पलटने वाली है। बता दें कि हाल ही में योगी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसे बड़े ऐलान किए हैं, जिसके बाद अब यूपी में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव आने वाले हैं। इसलिए आप भी समय निकालकर इन फैसलों को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यही यूपी के भविष्य को तय करने वाले हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी ने क्या ऐलान किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग योगी जी की वाहवाही करते नहीं थक रहे हैं। सबसे पहला ऐलान, गाड़ी है तो संभल जाइए, अवैध पार्किंग स्टैंड पर चलने वाला है योगी जी का बुलडोजर। यूपी की योगी सरकार का डंडा अब अवैध पार्किंग स्टैंड पर चलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी ने 48 घंटे में प्रदेश भर से सभी अवैध पार्किंग स्टैंड को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही अवैध पार्किंग स्टैंड नहीं हटाने वाले संचालक की संपत्ति जब्त करने का भी निर्देश दिया है। योगी जी ने सख्त लहजे में कहते हुए बोला है कि इन सभी अवैध पार्किंग रखने वाली माताओं की कमर अब तोड़नी है। यहाँ तक कि अगर यूपी की जनता भी लापरवाही बरतते हुए गाड़ी को गलत पार्किंग पर लगाते हैं तो उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि चालान की राशि भी बढ़ा दी जाए। दूसरा बड़ा ऐलान, रोड पर दिखने वाले सभी आवारा पशुओं की रक्षा। जी हाँ, जिस बारे में शायद भारत के किसी राज्य ने नहीं सोचा होगा, उस बारे में योगी आदित्यनाथ ने सोचा है। रोड पर सबसे ज्यादा हादसे के शिकार होते हैं आवारा कुत्ते और गोवंश। इन दोनों की ही सुरक्षा अब योगी जी की प्राथमिकता बन गई है। रोड पर ये जानवर हादसे का शिकार न हो, इसके लिए योगी जी ने नगर निकाय को निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश की सभी आवारा कुत्तों और गायों को संरक्षित करके सड़कों से कहीं दूर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए। साथ ही योगी जी ने यूपी की जनता से अपील की है कि अगर वो घर पर पालतू कुत्ता रखते हैं तो उन्हें समय समय पर वैक्सीनेट कराएं। इन बातों का पूरा ब्यौरा तैयार करने के लिए योगी जी ने अपने अधिकारियों को आदेश दे दिया है। तीसरा ऐलान, उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था पर ध्यान देना। अगर आपको भी रात के समय उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है तो अब वो दिक्कत ना के बराबर हो जाएगी, क्योंकि योगी जी ने ऐलान कर दिया है कि यूपी के सभी नगरों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था 100% पूरी होनी चाहिए। योगी जी ने कहा है कि सभी नगर में ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें स्ट्रीट लाइट अपने आप रात को जलकर सुबह होते ही बंद हो जाएंगे। स्ट्रीट लाइट की सही व्यवस्था से सुरक्षा नियमों को मानने वालों में भी इजाफा होगा। रात में काम से आ रही महिलाएं भी खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी। मुख्यमंत्री योगी का चौथा बड़ा ऐलान, अगर कोई भी इंसान प्लास्टिक का उपयोग करता दिखा तो उसे मिलेगी सजा। यूपी में प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसको लेकर योगी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से बंद होना चाहिए। अगर कोई भी दुकानदार या व्यक्ति प्लास्टिक का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दिया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। प्रदेश को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए योगी ने अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी है कि वो समय समय पर अपने इलाकों की दुकानों और इंडस्ट्रीज की जांच पड़ताल करते रहें। तो दोस्तों, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या आप योगी के इन फैसलों से खुश हैं? अगर हाँ तो हमें यस और ना तो हमें नो लिखकर कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इन फैसलों का समर्थन करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।